वालेकुम। तो कैसे हैं सब दोस्त? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज ईद का डे है और सबसे पहले तो मैं आप सभी दोस्तों को ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह के फजल व करम से रमज़ान गुज़र गया और हमारा रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रा है। तो बिलाखर रमज़ान का इख्तिताम पज़ीर हो गया है। तो आज ईद डे है और कश्मीर में ईद कैसे मनाई जाती है ये आपको आगे चल के दिखाते हैं। हम सभी को जो है ना वो रिश्तेदारों के घर जाना होता है, तो चलते हैं आगे की तरफ। ए साढ़े मुन्ना साहब दे जी, ये बड़े अरसे तो बाद मिले तकरीबन। रोजे तो पहले अस क्रिकेट खेलने हम से, मगर जेड़ा ना रोजे ही नहीं लभे अब जूनी मिल रहा। जी मैं सारे रोजे रख सा, रोजे रखे तो फिर तुसे की ईदी ऊपर मिल सदा। आई आखिर मिली है के जी, तो बहुत खुशी होएगी मुन्ना जी। ईद वाले दिन आप सभी दोस्तों को पता है हर घर के अंदर बहुत सारी डिशों का अहतमाम किया होता है, कहीं चना चाट, कस्टर्ड और साथ में बिरयानी। तो हमने भी खूब इंजॉय किया, काफ़ी कुछ खाया, बट अभी तक चाय नहीं मिली। तो अभी देखते हैं आगे चल के शायद चाय भी मिल जाए। तो हमारे जुनैद भाई सो रहे थे तो माजद के साथ हमें मजबूरी में इनको जगाना पड़ा, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कुछ घर अभी बाकी थे जहाँ पे हमने जाना था। तो जहर की नमाज के बाद हमने निकलना था, तो जुनैद भाई के पास आए तो वो सो रहे थे, आवाज़ लगाई नहीं जागे, बट इसी तरह जगाना पड़ा। सॉरी जुनैद भाई। व्यूज़, तो फाइनली आप देख सकते हो हम वापस घर में पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा विज़िट किया है गांव में और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है। ये आप देख सकते हो जुनैद भाई तो मेरे ख्याल से सो रहे हैं और मसद तो अभी जाग रहा है क्योंकि इसने इतना विज़िट नहीं किया है। तो मज़ीद और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू आप सभी दोस्तों का।